एक हाँ? हाँ? तो 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 और वीडियो के साथ आ गया इस वीडियो में हम बात करने वाले हेयर सीरम के बारे में जो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था और उसको कैसे ही मैं यूज कर रही हूँ ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा तो देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना सो लेट्स ओके okay गाइस तो मुझे नया हेयर सीरम मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ अपने बालों में उसको यूज़ करते हुए मुझे फाइव डेज़ हो गए हैं मैं उसको सिर्फ रात में यूज़ कर रही हूँ और पहली बात तो उससे मेरा हेयर फॉल काफ़ी कंट्रोल हुआ है क्योंकि जैसे अभी रेनिंग सीजन चल रहा है तो कईयों को हेयर फॉल होता है कईयों को नहीं होता तो मेरे को थोड़ा सा हेयरफॉल स्टार्ट हो गया था तो उस सीरम से मेरा हेयरफॉल काफ़ी कंट्रोल हो गया है और प्लस अगर हम बालों की ग्रोथ की बात करें तो मेरे बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी भी हो गई है और अगर आप देख सकते हो तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है स्पेशली और मेरे बाल पहले काफ़ी लाइक ऑयली रहते थे और बहुत इचिंग भी होती थी क्योंकि जिनका ऑयली स्केल्प होता है तो उनको इचिंग बहुत जल्दी होती है और कई बार उनको जल्दी हेयर वॉश भी करना पड़ता जो मेरा हेयर फॉल था प्लस वो कंट्रोल हुआ प्लस मेरा जो ऑयली स्केल्प था वो भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ और मेरे बाल अब काफ़ी ऑयली भी नहीं लगते हैं और काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ मेरे को तो मुझे इस हेयर सीरम से काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला है प्लस अभी हेयर सीरम जो है मैं यूज़ कर रही हूँ तो आगे और जो डेवलपमेंट होगी आपको मैं बताऊँगी मैं जो हेयर सीरम यूज़ करती हूँ उसको मैं डिफरेंट वे में यूज़ करती हूँ लाइक मैं रात को यूज़ करती हूँ और अपने बालों में जो हेयर सीरम है स्किन के ऊपर अप्लाई करती हूँ थोड़ी देर क्योंकि ये जो हेयर सीरम है काफ़ी पतला है लाइक पानी की तरह है, तो इसको थोड़ा सूखने में टाइम लगता है ऐसा लगेगा आपका बाल है ना काफ़ी गीले गीले से और थोड़ी देर इसको मैं लगा देती हूँ लगाने के बाद मैं अच्छे से मसाज वगैरह करती हूँ फिर उसके बाद मैं अपने बालों में मतलब ये जो जगह यहाँ पे आपको हेयर सीरम नहीं लगाना है तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ रोज़ वाटर स्प्रे करती हूँ ताकि मेरे बाल बाल नीचे से ड्राई ना हो तो यहाँ पे एक तो मैं रोज़ वाटर प्लस ऑयल अप्लाई करती हूँ डी आई ऑयल जो मैंने बनाया हुआ है तो मैं उसको अप्लाई करती हूँ तो इसमें हेयर सीरम जो है मैं यूज़ करती हूँ बाद में मैं अपने बालों को अच्छे से दो चोटी नहीं तो एक चोटी जैसे भी मुझे सही लगता है मैं बनाकर अच्छे से उनको प्रोटेक्ट कर लेती हूँ फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ तो नॉर्मल जो रूटीन होता है उसको मैं फॉलो करती हूँ ये जो सीरम होते हैं हर सीरम में अलग अलग विटामिन होते हैं कुछ सीरम सिर्फ प्रोटीन के लिए यूज़ करते हैं कई बार कुछ सिरम हाइड्रेट के लिए यूज़ करते हैं या ये सारी चीज़ें जो होती है हर सिरम में होती हैं कुछ सिरम्स अलग अलग होते हैं जो होते हैं वो सिर्फ हेयर ग्रोथ के लिए ऊपर होते हैं मतलब वो आपके बालों को काफ़ी और अच्छे ग्रोथ करेंगे ये सिर्फ और आपके बालों को जो ग्रोथ नहीं हो रही उसके लिए भी आपकी हेल्प करेंगे ऐसे भी कुछ सिरम्स होते हैं यू लाइक माई दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल बाय